सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं संधु ट्रैक्टर न्यू होलैंड एग्रीकल्चर एजेंसी, आप सामने देख सकते हैं, लाडवा में है ये, यहाँ पर आया हुआ हूँ। न्यू होलैंड ने अपना ट्रैक्टर CRDI ट्रैक्टर लॉन्च किया है, उसके बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कृपया वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी ट्रैक्टर की। और जो चैनल पर पहली बार आया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पेज अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। तो ये हैं भाई साहब, इनसे बात कराता हूँ मैं आपकी। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी किसान भाइयों को, ज़मींदार भाइयों को बहुत बहुत राम राम। मेरा नाम सुमित राठी है, मैं हरियाणा में सर्विस को यहाँ पर लुकिंग अपर करता हूँ। तो आज हम जैसे कि अपना नया ट्रैक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो, 5620 CRDI मॉडल। अभी कंपनी जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको पता ही है कि 50 HP से ऊपर में सभी ट्रैक्टरों को अपने को CRDI इंजन के साथ ही हम मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से अभी कंपनी ने हमारे 50 HP से ऊपर 5620 और 5630 के अंदर CRDI इंजन के साथ में अपनी लॉन्चिंग की है। आज यहाँ पर अपन 5620 के बारे में कुछ आपको मोटा मोटा जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं और जो इसकी अपग्रेडेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आगे की बात करें तो इसका फेस थोड़ा सा लिफ्ट किया है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका थोड़ा सा बढ़ाया है, और स्टैंडर्ड 120 किलो के वेट फ्रंट में इसके ऐड करें। 30 किलो की एक प्लेट है, ये चार यहाँ पे प्लेट है, तो 120 किलो वेट स्टैंडर्ड यहाँ पे कंपनी इसके साथ में देगी। आगे की टायरों की बात करते हैं तो 4-wheel drive जैसा कि ट्रैक्टर आप देख रहे हो, इसमें 11-24 के टायर स्टैंडर्ड अपने आते हैं। मेनली इस ट्रैक्टर के अंदर जो अपना गवर्नमेंट पोल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से जो चेंज हुआ है वो इंजन के अंदर चेंज हुआ है। इंजन के अंदर में यहाँ पर CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन यहाँ पे अपना फिट किया गया है। ये इंजन डायरेक्टली अपना इम्पोर्टेड है, FPT कंपनी के द्वारा जो बनाया गया, जो कि अपनी न्यू होलैंड कंपनी की ही एक CNH ग्रुप का ही एक पार्ट है FPT इंजन, उसका ये इंजन यहाँ पे टर्की से इम्पोर्ट करके यहाँ पे फिट किया जाता है, टोटली इम्पोर्टेड इंजन है। इसकी बात करते हैं तो इसके साथ में विद इंटरकूलर लोडेड ये इंजन होता है। इंटरकूलर के साथ में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ा के इंजन की परफॉर्मेंस उस तरीके से बेटर करने के लिए इंटरकूलर साथ में अटैच किया गया है। इंटरकूलर के आगे ही साथ में जस्ट इसमें ऑयल कूलर का भी प्रावधान दिया गया है, ऑयल कूलर भी इसमें फिट किया गया है, जो कि ट्रांसमिशन ऑयल और पावर स्टेयरिंग का कंबाइन ऑयल को ठंडा करता है और उसकी सिस्टम की हाइड्रोलिक सिस्टम प्लस पावर स्टेयरिंग सिस्टम की लाइफ उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है। अपन इंजन की बात करते हैं तो इंजन 3 सिलेंडर इंजन है, 2931 CC में इंजन अपना ये आता है। हर सिलेंडर के ऊपर में 4 वाल इसके अंदर लगी हुई है, 2 इनलेट की हैं, 2 आउटपुट की हैं। जो इसके अंदर टैपट है वो हाइड्रोलिक सेल्फ एडजस्टेड हाइड्रोलिक प्रेशर से जो अपने आप एडजस्ट टैपट होते हैं वो वाले टैपट इसके अंदर होती हैं, और जो इसमें फ्यूल सिस्टम जो भी लगा हुआ है वो माइको कंपनी का टोटली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ECU कंट्रोल के थ्रू जो अपना सिस्टम है वो इसके अंदर लगा हुआ है, और एक हाई प्रेशर सिस्टम है और 1600 बार का प्रेशर जो कि अपना फ्यूल सिस्टम है वो इसके अंदर बनाता है। अपार्ट फ्रॉम इंजन से बात करते हैं, अपना 65 HP का इंजन 2300 रेटेड पे अपना काम करता है। इसके अलावा अपन हाइड्रोलिक पे चलते हैं तो इसमें 100 LPM 100 लीटर पर मिनट जो फिल्ट्रेशन कर सके वो इसके अंदर हाइड्रोलिक फिल्टर लगा हुआ है। इसके आगे अपन बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म के साथ साथ में 2 स्टेप के साथ में इसका प्लेटफॉर्म दिया गया है, और प्लेटफॉर्म की हाइट भी जैसा कस्टमर की डिमांड थी, कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से हाइट भी इसकी ऊपर की गई है, ताकि ड्राइवर आराम से बैठ सके, कस्टमर भाई आराम से बैठ सके और ज़मींदार इसको कम्फर्ट के हिसाब से ड्राइव कर सके। साथ ही साथ में हीट गार्ड लगाए गए हैं ताकि कस्टमर को कम से कम आगे की गर्मी कम से कम कस्टमर को फील होए और आरामदायक तरीके से वो अपना काम कर सके। साथ ही साथ में शीट मेटल प्रोटेक्शन प्लस अपना डीजल टैंक के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हीट शील्ड लगाई गई है। इसके आगे अपन बात करते हैं डीजल टैंक की, डीजल टैंक 68 लीटर कैपेसिटी के साथ में स्टैंडर्ड अपना फिट किया गया है। एक अपना इसके आगे अपन बात करते हैं ट्रैक्टर के ऊपर की, ट्रैक्टर में
बहुत ही आरामदायक स्पेसियस प्लेटफॉर्म है, आराम से बैठ सकते हैं, आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। मेनली जो इंजन की बात कर रहे हैं, ये इंजन अपना तीन मोड के अंदर काम करता है। फर्स्ट इको प्लस, ये यहाँ पे बटन है, आप दिखा सकते हैं, फर्स्ट इको प्लस होता है, सेकंड इको होता है, बीच में इसका पावर मोड होता है। ये अपना टॉर्क प्लस एचपी, जितना कस्टमर को लोड, जितना कस्टमर को पावर चाहिए, जितना कस्टमर को टॉर्क चाहिए, उसके हिसाब से ये पावर मोड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकते हैं। उससे क्या होएगा, जितना कस्टमर को जोर चाहिए, जितना कस्टमर को फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोड सिलेक्ट करके वो अपना ड्राइव कर सकता है। इसके बाद में अपन डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले एक हाई टेक्निक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे डैशबोर्ड दिया गया है। जैसे कि मैं ऑन करता हूँ, आप देखोगे तो बहुत ही ग्रेसफुल डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी के सभी जो कि आप जानते हैं CIDI इंजन है, तो इसमें मोस्टली सेंसरों से ही ऑपरेट होता है, तो यहाँ सभी सेंसरों के इंडिकेशन भी इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे ऑन करेंगे तो आपको इंडिकेशन यहाँ पे देख रहे हो, ये तकरीबन सारे इंडिकेशन इसके अंदर सभी सेंसरों के आते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाइड्रोलिक वाली। हाइड्रोलिक में यहाँ पे एक जैसा कि न्यू लैंड का स्टैंडर्ड फीचर है, लिप्टोमेटिक बटन, कि भाई जहाँ पर हमने लिफ्ट सेट कर रखी है वहीं से फुल्ली लिफ्ट अपनी ऊपर हो जाए, और वहीं पर अगर इसको अपन दबाते हैं तो जितनी गहराई पे हमने सेट कर रखी है वहीं पे ऑटोमेटिकली लिफ्ट वहाँ पे सेट हो जाए। साथ में हाइट लिमिटर एक यहाँ पे बटन होता है उसको, ये दोनों का कम्बिनेशन से ही गहराई तो हम यहाँ से जितनी कर रखी है हमने लीवर से सेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार अपने को पूरी लिफ्ट ऊपर न उठा के हमें जितनी चाहिए उतनी हाइट के हिसाब से यहाँ पे हाइट लिमिटर से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। क्लच की बात करें, क्लच टोटली डबल क्लच है, सेपरेट क्लच है। ट्रैक्टर मूवर फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए जो गियर होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए पैर वाली क्लच होती है, और एक अलग जो PTO के लिए होती है वो डिफरेंट बिल्कुल अलग क्लच होती है, उसका लीवर ये यहाँ पे रहता है। गियरबॉक्स की बात करें, अपना 12+3 में UG गियरबॉक्स अपना यहाँ पे आता है। 12 जो स्पीड होती है वो रिवर्स फॉरवर्ड की होती है, फॉरवर्ड की होती है, और 3 स्पीड अपनी रिवर्स की होती है। इसके बाद में अपन पीछे आगे चलते हैं तो टायर साइज आप देख रहे हो, 16x9x30 का टायर स्टैंडर्ड इसके अंदर आता है, विद 50kg 50kg दोनों साइड में इसमें वेट लगे होते हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया ट्रैक्शन लगे। पावरफुल ट्रैक्टर है तो उसका ट्रैक्शन भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए, ताकि उससे मैक्सिमम कस्टमर या जमींदार मैक्सिमम आउटपुट ले सके। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50kg का दोनों साइड में वेट लगा हुआ है। इसके बाद में पीछे की साइड में अपन चलते हैं, पीछे की साइड में सबसे पहले ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात करते हैं अपन, क्योंकि ट्रैक्टर मेनली हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसको अपन बोलते हैं उससे ही उसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है, किस तरीके से सेंसिंग करता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे लिफ्ट की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड अपना 2500kg लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में अपनी हाइड्रोलिक इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है। साथ में एक असिस्ट रैम सिलेंडर इसमें साथ में लगाया गया है, जो कि इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाता है, इसकी स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। अपनी लिफ्ट ADDC टाइप की लिफ्ट है, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप कंट्रोल करते हैं। इसके बाद अपन सेंसिंग की बात करते हैं, तो सेंसिंग न्यू लैंड के बारे में आपको पता ही है, सेंसिंग सभी ट्रैक्टरों से सभी कंपनियों से सबसे बढ़िया सेंसिंग अपनी न्यू लैंड लिफ्ट की होती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें 24 सेंसिंग दी गई है, आप सेंसिंग की कम से लेकर ज़्यादा तक की 24 तरह की सेटिंग इसके अंदर कर सकते हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट होती है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट ज़माने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट ऐसे आ गए हैं कि उन चीज़ों की यहाँ पे जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन ट्रैक्टर से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इसके बाद PTO की बात करते हैं, पावर टेक ऑफ में ये ट्रैक्टर 65 HP का इंजन इसमें पावर प्रोड्यूस करता है, 65 में से बहुत मिनिमम लॉसेस के साथ में PTO पे आउटपुट देता है, जो कि 64 HP है।
सभी ट्रैक्टरों में ये लॉसेस ऑलमोस्ट 15-10% के हेरफेर में सभी कंपनी में होते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर बात करें तो सिर्फ 1 HP का लॉसेस है, बाकी जो इंजन प्रोड्यूस करता है 65 HP 64 HP ये PTO के ऊपर देता है। तो एक मान सकते हैं PTO के हिसाब से भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जानदार ट्रैक्टर है। अब इसके आगे बात करते हैं अपन प्रोडक्शन को लेके कंपनी ने इसके अंदर एक कैनोपी दी गई है। ये कैनोपी प्रोडक्शन के हिसाब से इसलिए है कि ये टोटली जो इसका फ्रेम है वो फ्रेम आपका सीधा एक्सल के ऊपर में माउंट होता है। इस कैनोपी से अपन पूरे ट्रैक्टर को भी हैंग कर सकते हैं, खुदा न खास्ता कि ट्रैक्टर में कोई पलटने वलटने या कोई एक्सीडेंटल हो जाए तो इसमें ड्राइवर 100% सेफ रहता है। तो एज अपन कह सकते हैं जैसे कारों में एयर बैग होते हैं, ये अपने ट्रैक्टर का एयर बैग। ब्रेक की बात करते हैं तो ब्रेक 100% OIB है, रियल OIB जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर में न्यूलैंड के अंदर में आपको जितनी भी ब्रेक की डिस्कें हैं वो 100% टेल के अंदर डूबी हुई है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। एक वाटर सेपरेटर जो कि फ्यूल लाइन के लिए फ्यूल सिस्टम के लिए एक अहम रोल अदा करता है, जो कि डीजल में से पानी को अलग करता है, ये इस ट्रैक्टर के अंदर अलग से दिया गया है। और साथ के साथ में उसमें सेंसर भी दिया गया है ताकि अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर अगर कोई भी आपका मिनिमम वाटर का भी कहीं पे आपको डीजल के अंदर मिक्सिंग मिलती है तो ये ऑटोमेटिक इसका सिग्नल अपने डैशबोर्ड के अंदर दे देगा। बात अपन फुट एक्सीलेटर की करते हैं, फुट एक्सीलेटर वायरलेस है, इसमें कोई भी आपकी मैकेनिकल वायर नहीं लगी हुई है, इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है सेंसर से ही अपना सारा सिस्टम एक्सीलेशन का यहाँ से चलता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ड्यूल स्प्रिंग टाइप के अंदर दो अपने डीजल फिल्टर लगे हुए हैं जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सिर्फ न्यूलैंड लगाता है। कि भी कहते हैं ना कि भी जान ट्रैक्टर की जान पंप से बनती है और पंप की जान फिल्ट्रेशन से बनती है, जितना बढ़िया डीजल उसको जाएगा उतनी बढ़िया उसकी जान बनेगी। फ्यूल सिस्टम की बात करें CIDI है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है, पंप है, पंप से एक सिंपल अपनी पाइप गई हुई है, ऊपर में कॉमन रेल है, कॉमन रेल से सभी सिलेंडर को डीजल की सप्लाई दी गई। आप ग्रेस वाइज देख सकते हो, लुकिंग वाइज में देख सकते हो, ट्रैक्टर आपका एक बहुत ही बड़ा पावरफुल ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। फेस लिफ्ट, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस सभी ट्रैक्टरों में आगे वाले सेंटर से पीछे वाले व्हील के सेंटर तक का जिसको व्हील बेस कहते हैं, ये सभी ट्रैक्टरों में सबसे ज़्यादा है, जिससे कि ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया बनती है। आप कहते हैं जैसे अपने मार्केट से भी अपने आवाज़ देखने को मिलती है कि न्यूलैंड का ट्रैक्टर बहुत ही कम स्लिपेज और बहुत ही ज़्यादा ट्रोली के अंदर इम्प्लीमेंट के अंदर में जोर बहुत बढ़ता है। उसका रीज़न ये है कि इसका व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो बेस्ट से बेस्ट आउटपुट आपको निकाल के देता है। आप देखने में भी देख सकते हैं एस्थेटिक लुक वाइज से भी नए टेकोल के साथ में स्टिकर के साथ में कितने ग्रेसफुल इसके स्टिकर है, देखने में बहुत शानदार और जानदार ट्रैक्टर दिखाई देता है। किसान भाइयों, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और कुछ इस तरह की लुक आती है इसकी सामने से बैठकर, और एयर क्लीनर भी इसका अंदर ही है, इसकी वजह से आपको सामने देखने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आवाज़ सुनवाता हूँ मैं आपको इसकी, बहुत ही लो साउंड ट्रैक्टर है। कुछ और भी बता रहे थे, बात करें तो इसमें एक साइलेंट ट्रैक्टर वाइब्रेशन फ्री ट्रैक्टर है। आप जैसे सर ने भी इसके ऊपर में बैठ के इस चीज़ को महसूस किया ही होगा। साथ ही साथ में अगर अपन पावर ज़बरदस्त उस चीज़ की बात करें तो तीनों मोड में जो इसके तीनों मोड ऑपरेट करने वाले हैं 270 न्यूटन मीटर से लेकर 291 न्यूटन मीटर तक का ये टॉर्क अपना टॉर्क देता है। और साथ ही साथ में 45% इसका बैकअप टॉर्क भी अपना फ्यूल सिस्टम इसके अंदर देता है, ताकि मान सकते हैं कि अपनी HP कैटेगरी में सबसे जानदार ट्रैक्टर अपन मान सकते हैं। तो ये थी ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं या तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आगे फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।